नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। मैं रफीक अहमद। न्यूज इंडिया तक के इस खास एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो पूर्व के उप मुख्यमंत्री रहे, श्री तेजस्वी यादव जी। उनके साथ बैठकर बातें हुई, जो बिहार के लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए सामने 2019 में, उसके ऊपर में बात हुई है। 2020 के इलेक्शन को लेकर, जो विधानसभा का इलेक्शन होगा, उसके ऊपर में विधानसभा में किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएंगे तेजस्वी यादव जी, उस पर हम लोग बात करेंगे। और बिहार से संबंधित बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि 7 निश्चय योजना और जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं उसके ऊपर उनका क्या कहना है। इसके अलावा सिवान में अभी जो सबसे गर्मागर्म बाजार में जो मुद्दा है वो ये है कि जो राज्यसभा के सांसद श्री जेठमलानी जी के निधन के बाद से जो सबसे ज्यादा नाम सामने आ रहा है वो सिवान के पूर्व सांसद श्री शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का नाम सामने लाया जा रहा है, उसके बारे में तेजस्वी जी का क्या कहना है। ये सारी चीजें हम लोग इस अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सामने लेकर आए हैं। हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि जो जनता के सवालात हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं, वो इन नेताओं तक, जो राज के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन तक पहुंचाई जाए और उनसे सवाल लेकर, उनका जवाब लेकर जनता तक हम लोग पहुंचा सके, ताकि जनता जिस उम्मीद के साथ वोट देती है अपने जन नेता को, उस उम्मीद पर नेता हमारे खरे उतरते हैं कि नहीं, ये चीज पता चल सके। तो न्यूज इंडिया तक पे ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए तेजस्वी यादव जी के साथ। स्पेशल प्रोग्राम में जहां पर आज हमसे बात होगी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से। तेजस्वी यादव जी से हम लोग पूछना चाहेंगे कि अभी इलेक्शन खत्म हुआ है लोकसभा का 2019 का, और आने वाला इलेक्शन 2020 में विधानसभा का है। इनके युवा हैं, एक युवा चेहरा है पूरे हिंदुस्तान के लिए, युवाओं के लिए क्या संदेश है, इनकी स्ट्रेटजी क्या है, और लोकसभा में जो चुनाव में नतीजे सामने आए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो पहला सवाल, लोकसभा चुनाव 2019 से सर नहीं है कि क्या आपका कहना है इसके बारे में, जो हम लोगों को देखने को मिला रिजल्ट। देखिए, चुनाव है, चुनाव होता ही रहेगा और चुनाव में हार जीत होता रहेगा, और हार जो है वो जीत का रास्ता दिखाती है। हम लोग जो भी परिणाम आया हो, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ उस विचारधारा का, जो विचारधारा हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, जो गोवलकर और सावरकर के जो विचारधारा है, उससे हम लोगों ने मजबूती से मुकाबला किया। खैर, जो परिणाम हुआ उस पर ना जाते हुए, अभी फिर 2020 में चुनाव है जी, और जब भी पार्लियामेंट और स्टेट का चुनाव होता है, एजेंडाज अलग होते हैं, अलग पैटर्न होता है, मुद्दे अलग हो जाते हैं। और बिहार का इतिहास हमेशा आपने अगर देखा हो तो जब भी केंद्र की सरकार कोई और होती है, राज्य की अल्टरनेटिव होती है, अब तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, नीतीश कुमार जी की वजह से बीजेपी आ गई सत्ता में, वरना 2015 का जो रिजल्ट था बीजेपी को हराया गया था। बिल्कुल, तो परिणाम जो भी अभी सदस्यता अभियान पार्टी का चल रहा है मजबूती के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सदस्य भी जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन भी हम लोगों ने शुरू किया है। अच्छा, युवाओं पर ज़्यादा, खासतौर पर युवाओं का जो मुद्दा है देश में, जिस प्रकार की स्थिति है रोजगार वगैरह को लेकर, रोजगार आप देखिएगा, आर्थिक मंदी चल रही है देश का, 70 साल में ऐसा नहीं हुआ जो मोदी जी ने 70 महीनों में कर दिया। सही बात। तो ये जो स्थिति जो पैदा हुई है, रुपया डॉलर के मुकाबले जो है और कमज़ोर हो गया, बेरोजगारी जो है पूरी चरम सीमा पर है, मतलब जिसको रोजगार भी था उसको रोजगार जो है गंवाना पड़ रहा है, और जिस प्रकार का जहर बोलने की जो राजनीति है समाज में। सही बात। अच्छा सर, 2020 का जो इलेक्शन आने वाला विधानसभा का, इसका, इसमें मुख्य मुद्दा आपका क्या होगा, जैसे कि रोजगार की आपने बात करी, किसानों की बात करी, अभी तक देखने को जो मिल रहा है ट्रेंड, नीति आयोग के बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं, लोग हलकान हैं, परेशान हैं, आज की जो सरकार है मुख्य मुद्दा को छोड़कर भटकाने वाले मुद्दा को बार बार सामने लेकर आती है, तो इस ऐसे में आपका क्या एजेंडा होगा बिहार के लिए स्पेशली। अरे, बिहार के लिए देखिए डेवलपमेंट ऑल अराउंड होना चाहिए, और आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहार में किया जा सकता है। लोग जो हैं, बिहार जो है सबसे युवा प्रदेश है पूरे देश में जी, और जो हमारा देश है दुनिया में सबसे युवा देश है। बिल्कुल, ज़्यादातर जो है शिक्षा व्यवस्था अगर आप देखिएगा,
स्वास्थ्य व्यवस्था अगर आप देखिए जो बेसिक नीड्स जो है सोसाइटी का वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और दूसरे राज्यों के मुकाबले हम जो है कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। आईटी पार्क होना चाहिए, लोग जो है बिहार के लोग दूसरे राज्यों में दूसरे देश जा कर के जो है सेवा अपना प्रदान करते हैं, हमारे अपनी यहाँ व्यवस्था बनाए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। जब उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त आपने एक शुरुआत करी थी सड़क को ठीक करने के लिए, आपने ऑनलाइन लोगों को एक फैसिलिटी दी थी कि आप यहाँ पर शिकायत दर्ज कराइए और सड़कें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन आज सिवान से अगर आप आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुनिया मोड़ के पास कितनी खराब की सड़क की हालत थी, ऐसे में क्या कहना चाहिए? हम लोग थे तो सब सिसवन में आरओबी वगैरह रोड सब लोग हम लोगों ने बनवाने का काम किया, कई परियोजना की शुरुआत की। एनएच जहाँ सीआरएफ फंड 200 करोड़ मिलता था, हम लोग गए तो 1000 करोड़ रुपये लेकर के आए। 53 आरओबी पूरे बिहार में फंसा था 2009-10 से, उसको हम लोग ने क्लियर कराया। अब पूछिएगा बिहार का कौन है पथ निर्माण मंत्री, तो कोई जनवे नहीं करता। सही बात, कोई नहीं जानता पॉलिटिकल लोगों के अलावा। सही बात, अगर पूछा जाए तो क्या काम हो रहा नहीं हो रहा, 10-10 साल 20-20 साल लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट को। हम लोगों ने वो टाइम बाउंडिंग के अंदर समय सीमा तय करके हम लोगों ने कंप्लीट कराया, जो समय से पहले जो काम करता था उसको हम लोगों ने रिवॉर्ड देने का काम किया, बोनस देने का काम किया, तो इससे लोग जो है काफ़ी उत्साहित होते हैं। अभी देखिएगा बिहार में रोड को लेकर के बहुत ज़्यादा। इसके अलावा सर एक और भी आया हुआ है प्रोग्राम जो नीतीश कुमार जी लेकर चल रहे नल जल की योजना, उसमें मेरा लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग चला है जिसमें लगभग हर पंचायत में हम लोगों ने देखा है कि सही से लोगों तक ना पाइप पहुंच रही है ना ही क्वालिटी की चीज़ पहुंच रही है, और हर जगह ये पता चल रहा है कि वहाँ का ठेकेदार 5-5 लाख रुपए लेके भाग जा रहा है। देखिए तो ये भ्रष्टाचार के नीतीश कुमार जी का जो भी योजना है सात निश्चय, क्योंकि हम लोग भी उस समय सरकार में थे जब इस योजना की शुरुआत की जा रही थी सात निश्चय की। जी जी, हर घर बिजली पहुंचाने की बात थी, सड़कें, हर घर जल पहुंचे, जो टोले जो छूटे हुए थे जो सस्ता भी नहीं था, चाहे 250 आबादी का टोला हो 150 आबादी का, वहां तक सड़क पहुंचाने की बात थी, स्कॉलरशिप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात थी, ये सारा जो था कॉन्सेप्ट हम लोग मिल करके महागठबंधन के लोगों ने लाया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद बीजेपी आ गई सत्ता में, और नीतीश कुमार जी की जितनी योजनाएं अब सात निश्चय में चल रही हैं हर जगह भ्रष्टाचार है। अभी एक नया घोटाला आया चापाकल का जी, तो पूरी तरीके से जो है प्रशासन अफसरशाही हो चुका है और कोई जनता की बात नहीं सुन रहा, कोई काम जो है हो ही नहीं रहा। क्वालिटी भी दिखेगा कहाँ, कब तक पहुँचेगा पूछिए आप। हर घर जल से नीतीश कुमार जी को एक संज्ञा भी दिया था कुर्सी कुमार, क्या इसके पीछे कारण है? देखिए ना उनकी कोई नीति है ना कोई विचारधारा है ना कोई सिद्धांत है, हम तो बोलते रहे पलटू चाचा, वो कब पलट जाए किसी को नहीं पता। चार साल में बिहार ने चार सरकारें देखी, हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य होगा जिस राज्य का मुख्यमंत्री मैंडेट होने के बाद भी, बहुमत होने के बाद भी, चाहे एनडीए में या महागठबंधन में, बार बार पलटी मारने का काम किया। तो जिस राज्य में चार साल में चार सरकारें बनेंगी उस राज्य में विकास तो संभव ही नहीं है, यानी इट इज़ नॉट स्टेबल। और विकास वही हो सकता है जब तक स्टेबिलिटी हो, तो नीतीश कुमार जी का कोई ठीक नहीं रहता। तो भैया आपको सिर्फ कुर्सी से लगाओ, कहाँ गोडसे और गोवलकर, कहाँ गांधी जी नेहरू जी और अम्बेडकर जी की विचारधारा, कहाँ मंडल की विचारधारा। कमंडल ना मंडल में तो बड़ा अंतर है। अच्छा सर एक चीज़ और है, ये सवाल लोगों के बीच में उठ रहा है कि क्या आरजेडी इस बार फिर किसी के साथ गठबंधन करेगी, या ये भी बीच में बात उठ रही है कि क्या बीजेपी के साथ करेगी। बीजेपी से तो कभी कोई सात जन्म में भी लोग नहीं सोच सकते। नीतीश जी से गठबंधन करने का यही एक मकसद था कि हम बीजेपी को बिहार की धरती पे आने से रोकें, और जो सैक्रिफाइस करना था लालू जी को हमारे पार्टी के लोगों को वो हम लोगों ने किया, और नीतीश कुमार जी को तो कहिए कि एक जीवन दान दिया। बिल्कुल सर, वरना उनकी जो स्थिति हो गई थी जितना मांझी जी की वजह से, वो तो कहीं के नहीं रहते। तो बिहार के हित में बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग कामयाब भी हुए, लेकिन बाद में चोर दरवाजे से सत्ता में नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को लाने का काम किया, और बीजेपी को वापस लाने के लिए हम लोगों पे केस मुकदमा, एक पब्लिक में बोलने के लिए एक एक्सक्यूज़ ढूंढा गया, बनाया गया। खैर इस पे हमको ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना,
जो व्यक्ति जो जनादेश का अपमान कर सके, सही बात, लोकतंत्र में, और जिसकी कोई विचारधारा नहीं, और जो भागा हो, और जो किसी भी गठबंधन के साथ रहा हो, हर बार चाहे एनडीए को या महागठबंधन को धोखा दिया हो, भागा हो, उस पर कोई गारंटी ले सकता है क्या कि अगर मान लो आ भी गए मेरे ना चाहते हुए भी तो दोबारा नहीं भागेंगे? सही बात है। देखिए नीतीश कुमार जी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या उनमें हिम्मत है कि अकेले चुनाव लड़ सके? कभी एनडीए कभी महागठबंधन, लड़े ना भाई चुनाव, 15 साल से मुख्यमंत्री, उनका चेहरा इतना अच्छा है तो लड़े अकेले, कौन मना किया हुआ है? और जो व्यक्ति 370 का बोलता था कि हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ट्रिपल तलाक पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो बीजेपी के कहने पे हर जगह जो है वोट किया है राज्यसभा में उनके पक्ष में, बीजेपी के साथ खड़ा होकर के 370 को ख़त्म किया और ट्रिपल तलाक को लाने का काम किया, RTI जैसे मुद्दे को जो है उसमें सपोर्ट किया, तो इसमें तो उनको जवाब देना चाहिए ना, जो कहते थे कुछ भी हो जाएगा लेकिन इससे मेरा कोई समझौता नहीं लेगा। तो जिसके कथनी या करनी में अंतर हो ऐसे व्यक्ति का हमको नहीं लगता कि बातचीत करने का हो। और बीजेपी तो आप छोड़ दीजिए, इस जन्म में क्या अगले कितनी भी जन्म आएंगी उसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे कितना भी हम लोगों पे जुर्म बीजेपी जो है करे, कोई दिक्कत, विचारधारा की लड़ाई हम तो लड़ेंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है, सिवान के इतने आप लोग यहाँ के नेता यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, ये बीच में चर्चा चल रही है कि श्री जेठमलानी जी के निधन के बाद से राज्यसभा के सदस्यता की जो बात है उसमें हेना शाह जी के नाम को उठाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए टेक्निकल मैटर है जी, क्या प्रावधान है सीट का, क्या रहेगा नहीं रहेगा वो तो देखना पड़ेगा। फिलहाल बिहार कोटा से फिलहाल में जो भी है उसमें देखिए, हम अकेले निर्णय तो लेते नहीं है, सही बात, पार्टी है, पार्टी में डेमोक्रेसी है, तो सब लोग राय विचार विमर्श करके ही फैसला लेंगे, और जो पार्टी के हित का होगा उसी के पक्ष में हम लोग जो है, हम लोग पार्टी जो है आगे नाम बढ़ाने का काम करेंगे, उसको आगे लाने का काम करेंगे, लेकिन मेरे कह देने से ना कहने से नहीं होगा, सब लोग देखा जाएगा, जब समय वो आएगा उचित तब उस समय फैसला किया जाएगा। अच्छी बात है। विधानसभा के लिए सर आखिरी आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए, खासकर सिवान के लिए और बिहार के लिए? हम तो कहेंगे सड़कों पे आएंगे, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भैया डिग्री ले लो लेकिन नौकरी के पीछे मत भागो, इस तरह का बयान आता है, जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ शिक्षा नहीं है, बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ करके कोई भी आपका सेशन जो है और अदर यूनिवर्सिटी का समय पे पूरा नहीं होता, यानी ग्रेजुएशन जो 3 साल में कराए जाते हैं वो उसकी कोई गारंटी नहीं कि 5 साल में भी हो जाए, 7 साल में भी हो जाए, ना रोज़गार है ना शिक्षा है, और हमारा भविष्य जो है युवा ही है, तो युवाओं के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे, अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? उसलिए अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आपको रोड पर आना ही पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे श्री तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष और RJD के आप कह सकते हैं कि मुख्य चेहरा, सिवान में इस वक्त मौजूद थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए। सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।